एक बार तोते ने मैना को बताया कि हर इंसान को अपनी बेटी को ये पांच बातें ज़रूर सिखानी चाहिए। ये कहानी एक तोता मैना की है जिससे पता चलता है कि घर में बेटियों की परवरिश किस तरीके से करनी चाहिए और गलत परवरिश का क्या नतीजा हो सकता है। बेटी का जन्म जिस घर में होता है वो घर भाग्यशाली होता है, क्योंकि बेटियों को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। बेटियाँ ही हैं जो सृष्टि को चलाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि पार्थ, जिस दिन सृष्टि में बेटियों का जन्म होना बंद हो जाएगा उसी दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। बेटियों की सही परवरिश होना ज़रूरी है। बेटियों को सही परवरिश देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर व्यक्ति अपनी बेटियों को ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, उनको छूट देते हैं, आज़ादी देते हैं, जिसके कारण बेटियाँ बिगड़ जाती हैं। ये बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक शिव मंदिर के सामने बरगद के पेड़ पर तोता और मैना रहते थे। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तब मैना तोते से कहती है कि आज तो ठंड है और रात कैसे कटेगी। तब तोता कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसके कारण तुम्हारी रात भी कट जाएगी, और ये कहानी हर इंसान को ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि ये कहानी एक सीख देने वाली कहानी है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि बेटियों की परवरिश किस तरीके से करनी चाहिए। ये कहानी एक राजा की और उसकी बेटी की है। तोता कहता है कि हर पिता अपनी बेटी को इन पांच बातों को ज़रूर सिखाए। पिता अपनी बेटी को इन बातों की शिक्षा देता है, उसकी बेटी जीवन भर सुखी रहती है और पिता भी सुखी रहता है। और जो व्यक्ति, जो बाप अपनी बेटी को इन बातों की शिक्षा नहीं देता, वे जीवन भर पछताते हैं। तब मैना उस कहानी को सुनती है। तोता बताता है कि एक नगर में राजा रानी रहते थे जिनके दो बेटे थे। उनके एक भी बेटी नहीं थी, लेकिन राजा को बेटी की चाहत थी। वह चाहता था कि उसके घर में एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए। काफ़ी मन्नतों के बाद, यज्ञ हवन कराने के बाद, पूजा पाठ के करने के बाद, हर मंदिर में माथा टेकते समय एक बेटी मांगता। भगवान ने एक दिन उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय के बाद राजा के घर में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। राजा के महल में खुशी का माहौल हो गया क्योंकि बेटियां सबकी लाडली होती हैं और राजा को तो वैसे भी काफ़ी मन्नत से मांगने के बाद में बेटी हुई थी। अब राजा के लाड़ प्यार की कोई सीमा नहीं थी। बेटी कुछ भी मांगती उससे पहले ही वो बेटी को हर चीज़ लाकर देता, समय से पहले बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करता। लेकिन राजा के लाड़ प्यार ने उसकी बेटी को बिगाड़ दिया। उसकी बेटी ना तो किसी की सुनती, हमेशा अपने मन की करती। राजा की बेटी किसी से सही से बात नहीं करती, घर के जो नौकर थे उनकी भी बेइज्जती करती। अब बेटी राजा की विवाह योग्य हो गई थी। रात को जब वह घर से बाहर लड़कों के साथ इधर उधर घूमती, राजा की बेटी थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रानी को अपनी बेटी का देर रात तक लड़कों के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था। तब रानी राजा से कहती है कि आपने लड़की को बिगाड़ दिया है। तब राजा रानी को कहकर चुप करा देते कि हमारी एक ही तो बेटी है, अगर उसको लाड़ प्यार नहीं करूँगा तो मैं किसको करूँगा, छोटी है, समय रहते समझ जाएगी। तब तोता मैना को बताता है कि प्रिय, हर व्यक्ति को अपनी बेटियों को प्यार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन साथ ही उनका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, उनमें संस्कार ज़रूर डालने चाहिए। हर व्यक्ति अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा तो करता है, लेकिन उन्हें इतना लाड़ प्यार ना करे कि उनके बच्चे बिगड़ जाए और वो अपना जीवन बर्बाद कर ले। क्योंकि राजा अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो चुका था। बेटी के प्यार में उसे कुछ नहीं दिखता था, बस इस बात का उसे कभी ख्याल नहीं आया कि ये मेरी आज बेटी है, कल किसी दूसरे के घर की बहू बनेगी। क्योंकि बेटियां तो पराया धन होती हैं, बेटी को तो एक ना एक दिन किसी दूसरे के घर जाना ही है। लेकिन राजा इस बात को भूल चुका था, अपनी बेटी से इतना लाड़ प्यार करता कि उसे कभी गलत बात के लिए भी वो अपनी बेटी को नहीं डांटता था। रानी जब अपनी बेटी को गलती पर डांटती तो राजा उल्टा रानी से लड़ना शुरू कर देता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब राजा को बेटी की शादी की चिंता सताने लगी कि बेटी हम सबको छोड़कर ससुराल चली जाएगी। अब राजा कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी तय करता है, क्योंकि बेटी है, माता पिता के घर पर तो नहीं रह सकती। अब राजा बेटी के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढने में लग गया और एक दिन राजा को अपनी बेटी की योग्य वर मिल जाता है। तब वह अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करता है। बेटी को वो खूब हीरे जवाहरात देकर घर से विदा करता है। बेटी ससुराल जाती है तो थोड़े दिन बाद अपने पिता के पास खबर भिजवा देती है कि पिताजी, आप मुझे यहाँ लेने आ जाइए, मैं इस नरक में नहीं रह सकती, आपने मुझे किस नरक में डाल दिया है, यहाँ मेरा दम घुटता है, मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रहना चाहती। राजा अपनी बेटी की बात सुनकर परेशान होता है तो वो रानी से कहता है कि हमने तो बेटी के लिए अच्छा घर ढूंढा था, अच्छा रिश्ता ढूंढा था, खानदानी घर था, लेकिन बेटी कहती है ये तो नरक है। 8-10 दिन में ऐसी कौन सी बात हो गई जो बेटी ऐसा कह रही है। अब राजा को भी चिंता सताने लगती है तो रानी कहती है तो क्यों ना हम चलकर एक बार बेटी के ससुराल हो आते हैं और देख कर आते हैं कि वहाँ ऐसा क्या हुआ है, और अगर कुछ ऐसी बात होगी तो हम अपनी बेटी को अपने साथ वापस ले आएंगे। कहते हैं ना कि अगर बेटी के लक्षण सही हो, बेटी संस्कारी हो, तो बेटी के ससुराल में बेटी के पिता को भी मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन अपनी बेटी के ससुराल में जब राजा पहुँचता है, राजा को वहाँ कोई मान सम्मान नहीं मिलता।
राजा का कोई आदर सत्कार नहीं करता। राजा जब बेटी के घर जाता है तो वहां पर बेटी की सास राजा को मिलती है। जैसे ही राजा बेटी की सास से बात करने को चलते हैं तो सास मुंह फुलाकर चली जाती है, राजा से कोई बात नहीं करता। राजा बेटी के ससुर से मिलता है तो वो भी बात नहीं करते, राजा से किसी ने ठीक से बात नहीं की। अब आखिर में राजा अपने दामाद के पास पहुंचता है। दामाद कहते हैं, ससुर जी बेटी को यहाँ से ले जाइए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है, इसने हमारे घर को नरक बना दिया, इसे मैं अपने घर में और नहीं रख सकता। आपने जो दहेज दिया था उसको भी ले जाइए, हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। राजा दामाद की बात सुनकर दुखी होता है और बेटी के पास जाता है तो बेटी से पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई जो सब इस तरीके से कह रही है। तब बेटी कहती है कि पिताजी, मैं इस नरक में नहीं रहना चाहती, यदि आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो मुझे इसी वक्त यहाँ से लेकर चलिए, नहीं तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी की बात सुनते ही राजा को चिंता सताने लगती है और वो अपनी बेटी को लेकर घर चल देते हैं। घर से जाते समय बेटी के ससुराल में भी राजा से कोई बात नहीं करता। राजा अपनी बेटी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। बेटी से पूछते हैं कि बेटी एक बात बताओ, तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारे ससुर कैसे हैं, तुम्हारी नंद का व्यवहार कैसा है। तब बेटी कहती है कि ओ सासू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, मुझसे हर समय काम कराती, मुझे परेशान करती। ससुर के बारे में कहती है कि वो तो एक राक्षस है, उनका व्यवहार इस तरीके का है, वो तो बहुत दुष्ट है। तब वह नंद के बारे में कहती है, जेठ जिठानी के बारे में कहती है कि जेठ जिठानी तो एक नंबर के हरामी है, रोज मुझे ताने मारते, मुझे तंग करते। अब राजा नंदन के बारे में पूछता है तो कहती है कि पापा, नंदन जो है वो तो चुड़ैल है, निकम्मी है, सारा दिन बैठकर खाती है, कोई काम नहीं करती। राजा ने कहा, अच्छा ये बताओ कि दामाद जी कैसे हैं, क्या वे तुमसे प्यार नहीं करते। तो बेटी कहती है, वे भी दुष्ट स्वभाव के हैं, वे मुझे कभी खुशी से नहीं रहने देते, मुझे हर बात पर शक करते हैं, हर बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, वे ना मेरी कोई बात सुनते ना ही मेरी कोई बात को मानते। राजा अपनी बेटी से पूछता है, ठीक है ये बताओ, तुम्हारे पास पड़ोस में तुम्हारी किसी से दोस्ती हुई, आस पड़ोस के लोग कैसे हैं। बेटी कहती है, पिताजी मोहल्ले के सब लोग तो निठल्ले और बदमाश हैं, पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। राजा सोचता है कि मैंने तो एक अच्छा रिश्ता ढूंढा था, इंसान एक खराब हो सकता है, दो खराब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बेटी के ससुराल में सभी लोग खराब हो। आस पड़ोस वालों से तो कोई किसी का लेना देना नहीं होता, ये तो उनके बारे में भी बुरा कह रही है, ये सब कैसे हो सकता है, शायद इसमें मेरी बेटी की ही गलती है, ये सब मेरे लाड़ प्यार का नतीजा है कि मेरी बेटी बिगड़ चुकी है। जब रानी मुझे रोकती रही लेकिन मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो गया और मुझे इतना लाड़ प्यार मैंने इसको किया कि मुझे अच्छा और गलत कुछ समझ ही नहीं आया। राजा अपनी बेटी के पास से चुपचाप चले जाता है। अब मायके में उसकी भाभियों के भी मुँह फूल जाते हैं। राजा की बेटी सोचती है कि भाभियों को क्या हुआ, ये क्यों मुँह फुलाकर बैठी हैं, मुझे देखते ही इनके तेवर क्यों बदल गए हैं। जाकर भाभी से पूछती है तो भाभी कहती हैं, अब क्या तेरी आरती उतारेंगे, इतना पैसा खर्च करके तो हमने तुझे इस घर से विदा किया, लेकिन तुम फिर भी वापस हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गई, आज के बाद तुम हमसे कोई बात मत करना। भाभी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। घर के कोई लोग भी उससे और बाकी की बात नहीं करते, अब केवल राजा और रानी ही ऐसे थे जो अपनी बेटी से बात करते। धीरे धीरे बेटी दुखी होने लगी, उसे समझ आ गया कि इस घर में उसकी अब कोई जगह नहीं है। जब वह सहेलियों के पास जाती तब सहेली भी पूछती कि अकेली आई हो, क्या तुम्हारे पति साथ नहीं आए हैं, पड़ोस के लोग भी पूछते, तो बेटी ने घर के बाहर भी निकलना बढ़ना बंद कर दिया। शादी के बाद जब बेटी अपने ससुराल को छोड़कर घर वापस आती है तो लोगों के ताने को सुनने को मिलते हैं। यही चीज़ राजा के साथ भी हुई, राजा की बेटी को बुरा लगने लगा, चारों तरफ राजा की बेटी की ही चर्चा होती। राजा की बेटी अकेले मायके आ गई है, शादी को टाइम ही कितना हुआ है, तलाक हो गया है क्या, या घर वालों के साथ में ससुराल वालों के साथ में निभी नहीं। राजा भी बाहर यही सब सुनने को मिलता, राजा भी दुखी रहता लेकिन क्या कर सकते थे। धीरे धीरे बेटी को समझ में आता है कि सारी गलती की जड़ मैं ही हूँ, पिता का सर झुका है सिर्फ मेरी वजह से, लेकिन अपने ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। वह कहती अपने पिता से कि पिताजी इससे तो अच्छा मैं होता वह कुंवारी रह जाती, आप मेरी शादी ना करते। एक दिन राजा बेटी के कमरे में जाता है, देखता है कि बेटी परेशान है, दुखी है, तो बेटी से पूछता है क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। कहती है, पिताजी यदि आप मेरी शादी ना करते तो मैं घर पर ही सुखी रह लेती, लेकिन शादी के बाद मेरा ये घर पराया हो गया है, यहाँ भाभी भैया भी मुझे पसंद नहीं करते, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, इस घर में कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। राजा ने कहा कि बेटी पास के मंदिर में एक साधु महात्मा आए हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। बेटी बड़ी खुश होती है, पिताजी से कहती है, पिताजी आप जल्दी से महात्मा जी के पास जाइए और उनसे मेरी समस्या का उपाय पूछ कर आइए। पिताजी महात्मा के पास जाते हैं, तब बेटी से आकर कहते हैं कि 6 महीने के अंदर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे, महात्मा जी ने एक उपाय बताया है, यदि तुम इस उपाय को करती हो तो 6 महीने के अंदर अंदर तुम उस घर की रानी बन जाओगी। 6 महीने तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है, साधना करनी होगी, 6 महीने के बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ये बात सुनकर बेटी खुश होती है, पिताजी से कहती है, पिताजी कि तंत्र मंत्र वाला काम आप कर दीजिए, ये कुछ साधारण काम नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा,
कोई साधारण सा रास्ता मुझे बताइए। तब राजा कहते हैं, ठीक है बेटी, जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना है, इस मत का जाप मैं कर लेता हूँ, लेकिन जब तुम ससुराल में जाना तो 6 महीने तक तुम्हें किसी को उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है, कम से कम बात करनी है, कोई तुमसे कुछ भी कहे किसी को पलट कर जवाब नहीं देना, हर किसी की बात को सुनना, अपने से बड़े हर व्यक्ति के पैर छूना, यही तुम्हारी 6 महीने की साधना होगी। बेटी पूछती है, पिताजी ये काम केवल 6 महीने ही करना है, इससे ज़्यादा तो नहीं करना, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। पिताजी कहते हैं, नहीं बेटी, केवल तुम्हें 6 महीने ये काम करना होगा। और इसके लिए बेटी तैयार हो जाती है। राजा बेटी को लेकर ससुराल पहुँचते हैं, और जैसे ही बेटी ससुराल पहुँचती है, वहाँ पर सास ससुर खड़े मिलते हैं। वे अपनी बहू को खूब बड़ा बुला कहते हैं। सास राजा से कहती है, हमने आपसे पहले ही कह दिया था, हमें आपकी बेटी की जरूरत नहीं है, ये बहुत बिगड़ी हुई बहू है, आप इसे वापस ले जाइए, ये ना तो सास की इज्जत करती है, ना ही अपने पति की इज्जत करती है, किसी को मान सम्मान नहीं देती। सास बहू और पिता को कोई मान सम्मान नहीं देती है, ना ही उनसे ठीक से बात करती है। लेकिन सास की ऐसी हरकतों को भी बहू चुपचाप सह जाती है, वो अनदेखा कर देती है, पलट कर कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे साधना करनी थी, उसे अपने पिता की बात याद आ गई, उसे नियमों का पालन करना था कि 6 महीने तक किसी को उल्टा सीधा नहीं कहना, झगड़ा नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, आज्ञा का पालन करती है। तब राजा अपनी बेटी से कहता है कि तुम कमरे में जाओ। बेटी सर झुकाकर चुपचाप कमरे में चली जाती है। राजा की बेटी की सास से कहता है कि बहन जी, गलत मत समझना, इन गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, आप मेरी बेटी को एक मौका दे दीजिए, ये सुधर चुकी है, ये बदल गई है, मेरी विनती है आप इसे घर में रहने दीजिए। सास कहती है, ठीक है, मैं केवल कुछ दिन इसके बर्ताव को देखूंगी। तब पिता कहता है कि आप इसे 6 महीने अपने घर में रखिए, इसके बर्ताव को देखिए, अगर ये कोई बदतमीजी करती है या इसका व्यवहार पहले जैसा होता है तो मैं अपनी बेटी को खुद वापस आकर ले जाऊँगा और यहाँ दोबारा कभी नहीं भेजूँगा। सास इस बात पर मान जाती है, कहती है, ठीक है, मैं 6 महीने तक आपकी बेटी का बर्ताव देखती हूँ, अगर ये सही रही तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी बेटी को वापस ले जाइए। बेटी ससुराल में रहने लगती है और अपनी साधना की बात को नहीं बोलती, सुबह जल्दी उठती है, नहा धोकर घर का सारा काम करती है। सास को आश्चर्य होता है कि कुछ दिन पहले किसी की बात नहीं सुनती, चिल्लाती थी, बैठे बैठे खाती थी, आज ही सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके काम करती है, सबका आशीर्वाद लेती है। अब बहू रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती, सास के पैर छूती और कहती, माँ जी आशीर्वाद दीजिए, बड़ों का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सास कहती है, बेटा तुम खुश रहो, तुम्हारी जो भी साधना है वह जल्दी सफल हो जाए। इस तरह से वो घर पर काम करने लगी, अपने ससुर के लिए खाना लगाती है, ससुर को भोजन देती है। एक दिन भोजन पकड़ाते समय बहू के हाथ से थाल छूटकर नीचे गिरता है तो ससुर उसे गुस्सा करता है, बहू को डांटते हैं लेकिन बहू कुछ नहीं कहती। ससुर की सभी बातों को चुपचाप सुनकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन राजा की बेटी मन ही मन विचार करती है कि मेरे पिताजी मंत्र कर रहे हैं और मुझे साधना करनी है, नहीं तो मैं अभी तुम सबको सबक सिखा देती, लेकिन क्या करूं, मुझे चुप रहना है, नहीं तो मेरे पिताजी का मंत्र और मेरी साधना बेकार चली जाएगी। क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि बेटी 6 महीने तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें साधना करनी है, गुस्से को नियंत्रण में रखना है। धीरे धीरे ससुराल वाले बहू को स्वीकार करने लगते हैं कि सच में बदल गई है, उसका घर बसने लगता है। ससुराल वाले अपनी बहू को प्यार करने लगते हैं और 6 महीने के बाद बहू गर्भवती होती है। कुछ ही दिनों में वह माँ बन जाती है। अब उसकी गृहस्थी बहुत ही आराम से चलती है, इसलिए कहते हैं बेटी को कभी भी ज़्यादा लाड़ प्यार करके सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बेटी उससे प्रेम जरूर करे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखे कि लाड़ प्यार में उन्हें इतना ना बिगाड़े कि वे दूसरों पर भारी पड़ जाए और अपना जीवन खुद ही बर्बाद कर ले, ना तो वे खुद सुख से जी पाए ना दूसरों को जीने दे। तोता की कहानी 5 ऐसी बातें जो मैना को बताता है कि प्रिय ध्यान से सुनो, लाड़ प्यार करने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, दूसरी बात रोब दिखाने से नौकर बिगड़े, मेल बिना सरदारी, तीसरी बात धोखा देने से दोस्ती बिगड़े, यारी में हो खारी, चौथी बात रोए से मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, पांचवी बात दौलत दिखाए बेटा बिगड़े, लाड़ करन से बेटी। तोते ये 5 बातें मैना को बताता है और अपनी कहानी को समाप्त करता है। कहता है इन 5 बातों को हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।